Studios. I am Arshia. I am Sandy. And today we are going to do something different. And this is a creative vlog. Yes. We'll be just customizing our dadi's phone cover. Phone case. Of course, yeah. Phone some cans. Phone kharab ho jayega. So guys, aur mujhe aapko ek aur cheez सॉरी मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है दैट हम लोगों के पास एक छोटे छोटे पार्ट्स है तो उनको हमने बहुत क्यूट क्यूट डिज़ाइन दिए तो हम आपको अभी दिखाते हैं चलो गाइस एक बार कैमरा फ्लिप कर दूँ हाँ गाइस हो गया ये देखो गाइस अभी मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ देखो ये है सानवी का पहले शी क्रिएटेड द बेस यूजिंग ब्लू पिंक एंड वाइट एंड उसकी उसने शेडिंग दी देन उसने अंदर की तरफ वाइट कर दिया एंड वाइट से स्प्रे पेंट कर दी देखो कितना प्यारा सा लगा इसमें कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम क्या रख के दिखाऊँ मैं मतलब एक मिनट जैसे ही फेविकॉल का ढक्कन फिलहाल तो हमने रखा है जो कि रखेंगे नहीं हम जैसे गाइस एक सिंगल से मेरे पास क्लिप्स है एक्सेसरीज ये सिंगल पेंच आ गया इस टाइप का और गाइस ये है मेरा जो मैंने बनाया तो गाइस मैंने अपने पट पे पहले एक स्किन कलर का जो है ये स्किन कलर का टोन दिया है मतलब बेस कोट दिया है अच्छा सा फिर मैंने उस पर पिंक से ब्रश पेंटिंग कर दी देखो बेसिक से हम दोनों ने बनाया है और कितने पीछे टर्न आउट होके आए हैं तो अब हम करेंगे कस्टमाइज हमारी का फोटो तो गाइस दादी के लिए हम लोग बहुत ही बेसिक सा बनाएंगे बिकॉज दादी के लिए कुछ भी ज्यादा कलरफुल मत करना ऑफ कोर्स क्योंकि दादी ऐसा लगाएंगी नहीं एंड दादी ने कहा कि मेरा नेम भी मत लिखना बट कुछ भी तुम बेसिक सा कर लो जैसे गाइस हम लोग सोच रहे हैं कुछ ब्रश पेंटिंग कर रहे हैं कुछ भी बेसिक सा जो बहुत ज्यादा ब्राइट और बहुत ज्यादा कलरफुल ना हो वो कर देंगे ताकि दादी बाद में ये ना कहेगी इसको धो दो मैं नॉर्मल ही रहूंगी गाइस अभी भी दादी बहुत बेसिक सा ट्रांसपेरेंट यूज करती है जिसमें हमने छोटा सा एम लिखा हुआ था क्योंकि हमारे पास एक और फोन है उसके ऊपर भी सेम कलर गाइस सेम फोन है सेम कलर और सेम कवर तो हमने दादी का चल रहा लिख दिया तो हमने लिखा सो अभी तो फर्स्ट हम इसको सोप से वॉश करेंगे ताकि थोड़ा सा एम भी लाइट हो जाए फोन कवर भी क्लीन हो जाए गाइस यस गाइस कुछ नहीं आता तो अभी हम आपको वॉश करके वॉश करते हुए दिखाना So guys, हमने अच्छे से वॉश तो कर दिया अच्छा खासा क्लियर हो गया बट एम नहीं हटा एक्चुअली हमने परमानेंट मार्कर से लिख दिया तो हमें लगेगा हटेगा बट हटा नहीं यस गाइस हम बहुत तो पहले सबसे पहले मैं ये सोच रहा था कि बेसिक सा करें क्या मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग वाइट का पूरा कोट देके हाँ और उसके ऊपर कोई ग्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट कलर से नहीं नॉर्मल कलर से गाइस हम अभी सोचते हैं क्या करेंगे और फिर आप सोचते हैं सो गाइस हमें आइडिया मिल गया है तो दादी को चाहिए कि फोन की ट्रांसपेरेंटी हो तो हम लोग क्या करेंगे बस ये स्किन का स्प्रे पेंट करके सानवी के पास एक है आइडिया कि उसके पास एक हम ना जैसे यहाँ है यहाँ पे वो आता है जो दादी को दिखाना है और हमको याद नहीं मैम दादी को क्या दिखाना है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा फ्लावर बनाऊंगी रोज और हम उसको स्केच करके मतलब बहुत क्यूट सा बन जाएगा हमारा फैमिली में एक बार को हम अभी कुछ भी कस्टमाइज कर मतलब ऐसे तो बाबा पेंटिंग की हुई है ब्रश पेंटिंग पर ऐसे के ऊपर फोन कवर ऐसे पहली बार कर रहे हैं हम तो बहुत नर्वसनेस हो रही है तो गाइस दूसरा एक बार गलत हो गया फिर धो हाँ गाइस तो गाइस इसका हम हल्का सा ठीक करेंगे क्योंकि स्किन कलर भी लाइट है तो वो अच्छे से लाइक विजिबल हो सो गाइस नाउ लेट्स मीट इन टाइम लैप्स हमने कर दिया है स्प्रे पेंट एंड गाइस टाइम लैप्स हम बनाने भूल गए जितने में सानू ने टाइम लैप्स ऑन किया उतने में स्प्रे पेंट ही हो गया तो ये अभी तो अच्छा लग रहा है पर अभी अर्शु मेरे को पेंसिल देगी पेंसिल इसके ऊपर चलेगी नहीं चल तो जाएगी पेंसिल कैसे चलेगी चलो ठीक है फिर पहले मैं पेपर पे बनाऊंगी उस बाद में उसको उसके ऊपर कॉपी कर दूंगी पहले तुम वीडियो बनाओ यार मैं को अपने आप को बता दी मैं पेपर मैं को चलो गाइस हम एक बार अपना सारा सामान लेके उसके बाद दिखाते हैं सो गाइस हमारे पास आ गया नहीं चलेगी तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ ही बनाना क्योंकि दादी ने कहा था सॉरी क्योंकि दादी ने कहा था कि ऊपर से दिखाना है थोड़ा यहाँ पे तो सामने एक रोज बनाया है हम बहुत पतले पेंट ब्रशेज यूज करेंगे क्योंकि पेंसिल से भी नहीं किया ऑलरेडी तो हम यूज कर रहे हैं ऑफ कोर्स रेड एंड लाइट ग्रीन गाइस लाइट ग्रीन ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है ट्यूब वाला लाइट ग्रीन है तो हमने ग्लास के पीछे निकाल के उसको थोड़ा सा पतला करा है और वाटर कैप से और ये तो हमारे पास नॉर्मल है सही लग रहा है इसको ज़्यादा मत छेड़ना इसको थोड़ा ऊपर से ठीक कर रही थी
अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पेंट करूँगी। हाँ, और फिर हम ब्लैक से बना देंगे इसको, आउटलाइन कर देंगे, और इसके अंदर की जो लाइंस पेटल्स टाइप जिसको हम कहते हैं वो नहीं होती, हम वो बनाएंगे उसके बाद। तो पहले मैं इसको ठीक से कर रही हूँ बिल्कुल, ताकि गंदा ना लगे। बस एक मिनट में फिर से शूट करती हूँ बस। सो गाइज, हम वापस आ गए। एक्चुअली वैन को कुछ काम था फ़ोन से, इसलिए वो कह रहा था। और गाइज, मैं चाहती हूँ हम आपको दादी का एक वो भी दिखाएंगे एक्सप्रेशन हमारे इस पर। हाँ, अगर दादी को अच्छा लगा तो। वैसे मेरे हिसाब से तो अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि जो जो दादी को चाहिए था हमने पूरा दादी का प्लान कर लेके किया है। कि दादी ने कहा था छोटा सा कोई भी फ्लावर बना देना, और ज्यादा व्हाइट व्हाइट मत करना, थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट। वरना पहले हमारा यही था कि पूरा व्हाइट व्हाइट करेंगे, या फिर कोई ये प्रॉपर बेस कोट देंगे। मैं इसको यही रख लूंगा, पता चल रहा है वापस जरूरत पड़ जाए। और ये हमने लिया है क्यूट से लाइट ग्रीन, जिसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से थिन किया, जो कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक्रिलिक कलर का लग रहा है। मैं अभी ना करूं, क्योंकि फिर ये रेड के अंदर मिक्स हो सकता है। नहीं, वो हल्का सा मर्जिंग टोन आएगा, बिल्कुल उससे टच करके मत करना, वो तो आना चाहिए ना। आया, मिक्स हुआ। सो गाइस, बाहर हमारे पापा वगैरह शायद आ गए हैं, इसीलिए शोर शराबा शुरू। तो फिर और एक लीफ मैं बना सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू, पहले मेरे को बना दो। सो मच, थैंक यू गाइस। सो मैं क्या बोल रही थी, अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रही थी, सॉरी। पेंट देना अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, पेंट चाहिए थोड़ा सा। पेंट दिखाओ मुझे दो। उसके ऊपर बार बार चलाते रहते तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। हाँ गाइस, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अभी तो। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे पेंट से कवर करने की ट्राई। चलो तुम सेकंड लीफ भी बनाओ ऐसी, तुम हाँ। इसको भी थोड़ा सा एक बार ठीक करो मेरी सेकंड लीफ को। ये हमारा कितना ब्यूटीफुल बन रहा है। गाइस थोड़ा सा आपको ऐसा इसलिए लग रहा होगा, वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को लग सकता है। वो सबसे पहले तो उन लोगों को ज़्यादा लग सकता है जो कि थोड़े हाई लेवल पेंटर हैं। ऑफ कोर्स हम इतने हाई लेवल पेंटर नहीं हैं, अगर हमने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमने आपको पहले फोन पे तो प्लीज डोंट जज अस। और वैसे भी हम कोई बहुत हाई लेवल पेंटर नहीं है, ऐसे हम फोन पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पेपर पे भी हमको बहुत अच्छी नहीं बना, मतलब बहुत अच्छी बना लेते हैं। मैं सोच रही हूँ हम यहाँ पे भी एक लीफ बनाए, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं 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 बहुत सुंदर बना है, फिर मैसी हो जाता है, फिर इसको धोना पड़ेगा। गाइस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अभी हमारा ये छोटा। हेलो चाचू। हेलो पापा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चाचू को लगा कि वीडियो ऑफ है तो पापा, एक्चुअली चाचू को पता ही नहीं था कि वीडियो हो रही है। हाँ। तो कुछ नहीं। So guys, बड़ा क्यूट लग रहा है, नीचे एम भी इतना बुरा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा हाँ। लग रहा है। हम इसको फिर हल्का सा और हाईलाइट कर देंगे, देखेंगे मतलब बाद में। So guys, अभी ये सूखेगा, हम तब तक सबसे मिल के आए। हाँ बाय। सो गाइस, कवर हमारा बन गया, हम आपको सेल्फी मोड में दिखाएंगे ताकि हम दोनों भी दिखे। सो ये हमारा कवर है। 3, 2, 1 गो। गाइस, हमने पूरा खुद बनाया ये। हाँ, हमने पहले रोज बनाया, फिर गाइस उसको ना हमने क्या किया, एक मिनट वो क्या हो रहा है, अच्छा नहीं वीडियो में ऐसे दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। गाइस फिर हमने इसको 20 मिनट्स फुल स्पीड में फैन के नीचे रख दिया, फिर हमने ये ब्लैक मार्कर से हल्के हल्के हाथ से डिटेलिंग करी, इस एम को वो कर दिया। अगर मार्कर हमने ये वाला यूज करा है, इफ यू वांट टू नो, दिस इज OHP एंड CD स्टिक बोल्ड मार्कर, परमानेंट आपको अच्छे से एक वीडियो बना के दिखाऊंगी इसको, बिल्कुल So guys, we were not able to record Dadi's reaction because एकदम से sudden हुआ sudden, and that's all for today's vlog. If you like this vlog, like it, share it, subscribe it, and comment down below that if you like these creative vlogs so we can make more, and don't forget to press the notification bell so that you know
when a new video is coming. Bye.